जिया मालिक। आप लोगन के बीच में हम बिरहा गायिका सुषमा भारती एगो ऐसन बिरहा सुनावे जा रहल बानी कि हमें आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप लोगन के जरूर पसंद आई। एगो ऐसन इंसान का गाथा कि हम भगवान से यह दुआ बा कि और ऐसने इंसान के इतना बड़ा दुख न दें जौन वो व्यक्ति पर ही दुख बीतल बा। कैसे कवि जी चार लाइन भूमिका के अंदर भाव लिखते हैं कैसे। कोई भी वक्त से पार पाया नहीं, वक्त गतिमान है लाख कर लो जतन, वक्त को पाके है राख लंका हुई, वक्त पर है हुआ करण कुर्बत पतन, वक्त पर डोम के हाथ राजा बिके, वक्त पर बेर खाए थे भगवान है, वक्त किस वक्त किसका कहा है लिखा, वक्त से बढ़ के कोई न बलवान है। वक्त से बढ़ के कोई ना बलवान है। कवि जी का कहना बा कि ये दुनिया में अगर सबसे बलवान कोनो चीज है तो वो वक्त है, समय है। बिरहा के अंदर गजल का लाइन लगल मास्टर। कोनो लड़की लड़का एक दूसरे से बड़ा प्रेम करत रहलन और दोनों वादा कैले रहलन कि हम एक दूसरे के कुछ तोहफा दियल जाई। तोहफा का लेके आयल हुमन कि मेरा तोहफा तू कर ले कबूल, मुझसे भूल माफ करना हमें उनसे भूल, हो मेरा तोहफा तू कर ले कबूल, माफ करना हुई मुझसे भूल, क्योंकि सोने पे छाई महंगाई मैं चांदी ले आई। क्या बात है
लेकिन तर्ज से सुंदर कवि जी भाव लिखले हमन कैसे कि कैसा जग का हुआ दस्तूर किसे अपना कहे हम हुजूर किसे अपना कहे हम हुजूर क्योंकि अपना हुआ रे आज सपना मैं किससे क्या मांगू क्या बात है यहीं से कहानी का शुरुआत होत बा मास्टर शहर में भाव लगल बा जिला गोंडा में एक खरगपुर बाजार सही भगवान दिनपुर से मिलाई जहार सही वहीं पर राम राज ने है जन्म पाया था बड़े ही प्यार से परिवार को सजाया था हुई शादी सुघर दुल्हन भवन में आई है वहीं से पटकता ए गुल गजब खिलाई है दुल्हन के साथ में ससुराल के सब आए हैं एक एक करके सब सामान को चुराए हैं जिया अरे बाबू यहीं से कहानी का शुरुआत होत बा कि कहानी कहाँ कबा कैसन बा गोंडा जिला में एक ठे खरगोपुर बाजार पड़ेला और खरगोपुर बाजार के बगल में भगवान दिनपुर गांव पड़ेला वही गांव कर रहे वाला ये बाबू रामराज जौन अपन शादी कह के दुल्हन जब घरे लेके अइलन त ससुराल वाले भी दुल्हन के साथे साथे अइलन और धीरे धीरे उनके घर का जितना सोना चांदी सर सामान रहल सब चोरा के लेके भाग गइलन रामराज कलन अरे बाप रे बाप ई का हो गई कि हमरे ससुरालक लोग ऐसन कह देलन त सोचत हुमन मन में का गीत बदल गई बड़ी सुंदर गीत बा गमे जुदाई का गीत बा मास्टर कैसे हम भूल गए रे हर बात हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले लेकिन बाबू हो रामराज के घर का जितना सोना चांदी उनके ससुराल वाले चोरा के लेके चल गइलन त ई मन में सोचत हुमन काओ भाव में कहे नाम बा हमें अपने किए रे बर्बाद हमें अपने किए रे बर्बाद कोई आबाद रहे कैसे किसको आज कहे अपना अपना है दिखाता
दम तोड़ दिए रे राम राज अब कोई रहे कैसे। अपने जेवरात के गम में रामराज बीमार पड़ गए और एक दिन भगवान को प्यारा हो गए। घर में रामराज का बूढ़ी माई और रामराज का औरत आपस में उन्हन लोगन में रोज झगड़ा होकर आप लोग जनबा करिला कि सास पतों में बड़ा कम्मा पटेला। तो भइल का यहाँ एक लाइन गीत लगल कौनो दुलहिन अपना सहेली से कहत बा कि ए सखी हमार दुल्हा इतना रोमांटिक मन है ओ मड़ैया में रखा तो का करी हम उन्हें छोड़बे ना कर रह चौबे मतिन कैसे कहत बा सैया के साथ मड़ैया में सैया के साथ मड़ैया में बड़ी मजा आवे रजैया में लेकिन बाबू ए सास पतो के झगड़ा एकदम बढ़ते गई खत्म होखले के नामा ना ले कहे नाम बा रोज बीते दिनवा झगरवा में सास और बहु के रगरवा में करवा कायल चाहे चोरी साथे राम राज कभी मिल गईली गोरी दोनों कैला चोरी चंद्रहरवा के सास और बहू के रगरवा में सुमिरन नाम का नौकर रामराज के घरे नौकरी करत रहल और रामराज का पत्नी और नौकर मिलके चंद्रहार का चोरी कर लिहलन और उस चंद्रहार का चोरी कह के रामराज का पत्नी जब फरार भइल तो दू लड़का ओकरे पास रहलन इकबाल नाम का बड़ा लड़का रहल और छोटका डेबूलाल गोद में रहल और डेबूलाल के लेके उ रामराज का पत्नी और चंद्रहार जौन गहना रहल ओके लेके फरार हो गई तो भइल का गीत बदल गई बड़ी सुंदर गीत बा कि तूने अजब रचा भगवान तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का लेकिन भाव बा मतलब का बना परिवार मतलब का बना परिवार जमाना मतलब का मतलब
बाल हुए लाचार, जमाना मतलब का जब रामराज का पत्नी अपने छोटका बेटवा के लेके फरार हो गई तो ओ घर में खाली बड़ा बेटा इकबाल बहादुर आ उनकर बूढ़ी दादी और वो नौकर सुमिरन इतना जाने बचल रहन बाबू। लेकिन वो नौकर सुमिरन कभी नजर घर में जवन बचल संपत्ति रहल ओकर हर दिन वही पर नजर रहे तो ऊ का कैल गीत बदल गई। कौनो दुल्हन अपना सैया से फोन पर शिकायत करत बा, कहत बा कि ये राजा जी कहिया से कहत है नैहरे आके भेंट कर जा, साथे क सहेली जौन है कुल अपना सैया के साथे कहाँ कहाँ घूम आवत है, आ तू पहले का परंपरा लेके बैठल हुआ कैसे कहतिया। अपने नैहरवा में तोहके बोलवली सैया, तोहके बोलावाली हो कहे ना मनला मुर्का हनवा सजनवा हो, लेकिन वो नौकर का कैले बा सुमिरन नाम का घरवा में सुतल रहली बुढ़िया मतरिया हो, बुढ़िया मतरिया हो गर्दन दबावे लाखा सैया ए भैया हो, घरवा में चोरी करके भागल का सैया हो, इकबाल कमन करी उपाया हो, गौवा के लोग घर पे घरवा बखरिया हो, घरवा बखरिया हो होटल पर बीते लासा मैया ये भैया हो, उस सुमिरन नौकर का कैले सुतले में इकबाल के दादी का गर्दन दबा के हत्या कर देलस बाबू, और जितना बचल सोना चांदी रहल सब लेके अपने फरार हो गई। अब घर में खाली इकबाल बहादुर अकेले बचल रह गेलन बाबू। उहो गांव वाले का कैलन जवन जमीन जायदाद इकबाल का बचल रहल अकेले के नाते सब हड़प लेलन गांव वाले। लाचार होके इकबाल कहलन जब सब कुछ हमार बर्बाद हो गई, अपने ही लोग हमार बर्बाद कर देहलन, तो अब यहाँ रहला का हमार कौन मतलब बा। इकबाल बहादुर का कैलन परदेश गईलन और परदेश में जाके होटल पर काम करे लगलन। होटल वाला इनकर नाम इकबाल से बदल के बाबू राम बहादुर रख देहलस। तो टेरी में भाव लगल कैसे, किन्वरिया बीचे धारा में फसल समरी हो, निवरिया बीचे धारा में फसल तभी से राम बहादुर बनल विपत के मारा, अरे बाबू
तब से इकबाल का नाम बदल के राम बहादुर पड़ गई। एक दिन होटल का पूरा कर्मचारी आपस में बैठ के बाबू बतियावत रहलन, वही में राम बहादुर भी अपन विपत लोगन से सुनावे लगलन, तो भइल का पहपट में भाव लगल। कि अरे लगा बताने बीतल कुल समैया हमरे भैया हो, अरे लगा बताने बीतल कुल समैया हमरे भैया हो, आ कवने घाटे जाई हमरो नैया हमरे भैया हो। साथी कहन लगा ना मन में करा गुननवा हो, तुहरे भाई डेबू लाल का जानी ला हम ठेकनवा हो, अरे साथ लिवा के चल भेते ही समैया हमरे भैया हो, आ कुछ दिन बाद में आई एक लुगैया हमरे भैया हो। होटल पर राम बहादुर के साथ एक ठे व्यक्ति काम करे वाला उनकर बड़ा परम मित्र रहल। जब इनकर कुल दुख भरी कहानी सुनल सो बाबू तो कहल, अरे यार हमरे क्वार्टरवा के बगलिया में एक ठे लड़का ड्यूटी करेला, ओकर डेबू लाल नाम है, उहो यह घटना बतावेला, कहीं तुहार माई जौनी लड़कवा के लेके फरार भइल रहली, कहीं वो तुहार ननका भैया ना है, चला देखल जाई का जनी पता चल जाई तुहार छोटका भाई निकल जा। अरे बाबू जब दोनों डेबूलाल के पास पहुंचलन और जब बातचीत होखे लगल तो सब सच्चाई सामने आ गई। उ डेबूलाल इकबाल का भाई ही रहल। दोनों भाई बाबू एक साथ मिल के परदेश में रहे लगलन। राम बहादुर उर्फ इकबाल का शादी भी हो गई, लेकिन उनकर बदकिस्मती देखा साथ ना छोड़त बा, भइल का आल्हा में प्रमाण मिला। कि अरे धोखावा कमार कैला छोटका बिरनवा भैया, बहादुर का दूसर बियाह भेल, लेकिन दूसर की औरत पागल होके फरार हो गई। त
तब से राम बहादुर सोच लेलन कि हमरे किस्मत में अकेला लिखल बा, हम अकेला रहब और अकेला जिंदगी चंडीगढ़ में जाके बाबू मेहनत मजदूरी क के बितावे लगलन। उन्हों का जिंदगी से जूझत जूझत मानिक भैया बुढ़ौती आ गई। सोचलन मन में विचार आयल कि हमहू कहियो मरिए जाए, हमार नाम निशान दुनिया से खत्म हो जाई, कि हमरे पे इतना बड़ा अत्याचार हमार किस्मत कैले बा। तब मरले से पहले काहे न अपन जीवन गाथा कम से कम लोगन के बीच में छोड़ जाई। तब बाबू ए बिरहा गौले का मतलब भी यह रहल है कि राम बहादुर बड़ा आग्रह कैलन तो हम बिरहा का कलाकार सोचल गए कि बहुत बिरहा गवाइल आज इनके भाग्य पर तरस खाके एक सेवा फ्री में कर दिया जा, तो इनकर बिरहा आप लोगन के बीच में गावे के पड़ल है। आखिरी लाइन में कहना बा रोवे राम बहादुर नहीं आवे धीरवा, गाथा गवले ना ओराई हो हमार पिरवा। चाहे केहू केतनो हमार गाथा गाई हमार ढांढस बधाई, लेकिन हमार ई पीरा ओराए वाली ना बा। राम बहादुर कहलन कि हम भगवान से यह विनती करत हैं कि जितनी हमरे पर दुख जितनी हमरे पर कष्ट आयल बा, भगवान कौनो इंसान के इतना बड़ा दुख न दे बाबू। हम तो सह लेनी पता न सह पाई कि ना, तो भइल का कि अरे चंडीगढ़ शहर में बितावे लन जीवनिया, आगे कैसन किस्मत में लिखल बा कहानिया। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल पद पावन कवि चंद्रिका रामदेव की लागे गीत सुहावने। अरे नेवरिया बीचे धारा में फसल, ओ नेवरिया बीचे धारा में फसल, तो सुषमा सुबेदार अब कैसे होई गुजारा। नेवरिया बीचे